आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। टीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट का ऐवान बाला राज्यसभा से वॉकआउट। वजीर आजम से अपने रिवाज पर तेलंगाना के आवाम से मुआज़रत खाही करने का किया मुतालबा। तश्कील तेलंगाना के अमल पर नामुनासिब रिमार्क। मोदी रियासत के आवाम से मुआफी मांगे। इब्राहिम पट्टनम में तरक्याती कामों के संग बुनियाद तकरीब। रियासती वजीर के टीआर का खिताब। तेलंगाना हुकूमत वक्फ जायदादों के तहफ्फुज़ और गैर मजाज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संजीदा। भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाल। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। वजीर सेहत हरीश राव ने एमजीएम अस्पताल में चाइल्ड स्पेशल कोविड केयर यूनिट का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वज़ीरा दयाकर राव, सत्यवती राठौर और दीगर ने की शिरकत। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने रागड्डे में 12 करोड़ से जायद के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अरकान असेंबली गोपीनाथ और एम कृष्णा राव ने भी की शिरकत। और कर्नाटक में हिजाब तनाजे के मसले पर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट का हिजाब तनाजे पर समाप्त करने का इशारा। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान ने आज ऐवान बाला राज्यसभा में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रिमार्क से खिलाफ एहतजाज किया। टीआरएस के रुकने राज्यसभा के केशव राव ने जुमेरात को वक्फे सिफर के दौरान यह मसला उठाया और कहा कि उनकी पार्टी ने इस मसले पर वजीर आजम के खिलाफ इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस दिया है। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कहा कि चेयरमैन इस सिलसिले में फैसला लेंगे। इस पर टीआरएस के अरकान ने वजीर आजम के रिमार्क्स पर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ अरकान चेयर के करीब आए तो डिप्टी चेयरमैन ने उन्हें अपनी निशस्तों पर वापस जाने को कहा। टीआरएस के अरकान ऐवान में प्ले कार्ड लहराकर वजीर आजम के बयान पर एहतजाज कर रहे थे। टीआरएस अरकान के एहतजाज के दरमियान जब कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहना चाहा तो डिप्टी चेयरमैन ने उन्हें बोलने की इजाजत दी। खड़गे ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के बारे में वजीर आजम के रिमार्क्स काबिल एतराज हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ। यह कहते ही डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि यह वक्फ सिफर है, इस पर अभी बात नहीं हो सकती। काबिल जिक्र है कि सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर ऐवान में बहस का जवाब देते हुए वजीर आजम ने 8 फरवरी को कहा था कि कांग्रेस की क्यादत वाली मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद की हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद का बिल बगैर बहस के जल्दी में मंजूर कराया। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून से मुतालिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रिमार्क के खिलाफ तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा से जहां वॉकआउट किया वहीं प्ले कार्ड थामकर नारेबाजी करते हुए टीआरएस सरकार ने वजीर आजम से मुतालबा किया कि वो अपने रिमार्क्स पर तेलंगाना आवाम से माजरत खाई करें। कबल अजीर टीआरएस पार्लियामानी पार्टी लीडर के केशव राव ने ऐवान में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक मराद शिकनी का मसला उठाया। इसके जवाब में नायब सदर नशीन हरवंश ने कहा कि तहरीक मराद शिकनी का मामला सदर नशीन से रुजू कर दिया गया है और वही इस मसले पर फैसला करेंगे। बाद अजां मीडिया से बातचीत करते हुए के केशव राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान पर अपना सख्त एतराज जताया। And then in turmoil, there are lot of protests, dharnas, rallies, effigy burnings, etc. for last 3 days. So we have moved with a motion because the chairman is not there. Deputy chairman said that he will pass it on to the chairman for his decision. Pending the decision, we said first all the opposition parties joined us, condemning the statement of the prime minister. And also upholding our contention. Now, later we have decided to walk out of the house, the TRS people, pending the decision of the chairman. It means tomorrow you will also not part. Tomorrow we will not part until the chairman comes and says what it is. Ninna Rajya Sabha lopala, Rajya Sabha lopala, Prime Minister garu. वजीर आईटी और बल्दी रसमलस के तारक रमा राव ने जोर देते हुए कहा कि पानी फंड्स और मुलाजिमतों के लिए तेलंगाना हासिल किया गया। उन्होंने मोदी की जेर क्यादत
बीजेपी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए इल्जाम लगाया कि मरकज ने गुज़िश्ता 7 बरसों में एक पैसा भी रियासत को नहीं दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में नामुनासिब बात करते हैं, उन्होंने काम के बजाय सिर्फ जुमलेबाजी की। केटीआर ने कहा कि मरकज ने रियासत के पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा नहीं दिया। मरकजी हुकूमत किसानों की जद्दोजहद के बाद ही ज़रई कबारेन वापस लेने के लिए मजबूर हुई। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के अमल के सिलसिले में नामुनासिब रिमार्क करने वाले वज़ीर आज़म मोदी को चाहिए कि वह तेलंगाना के अवाम से माजरत खाही करें। केटीआर ने दुटोक अंदाज में कहा कि अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए जद्दोजहद के जरिए तेलंगाना हासिल किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी ने बंगाल में वजीर आला और गवर्नर के दरमियान इख्तलाफात को हवा दी। उन्होंने आज रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में बासरखियाती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब खिताब करते हुए केटी रामाराव ने तेलंगाना की तश्कील के बाद शुरू करदा स्कीमात का हवाला देते हुए कहा कि टीआरएस के दौरे हुक्मरानी में वजीफे की रकम 2000 रुपए कर दी गई। अप्रैल से मजीद 40 लाख अफराद को वजीफा दिया जाएगा। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम शुरू करने का सहरा वजीराला के सर जाता है। सरकारी अस्पतालों में जजगी पर हुकूमत की जानिब से केसीआर किट्स फराहम की जा रही है। आंगनबाड़ी मराकज में बच्चों को तगजिया बख्श गिजा फराहम की जा रही है। हर सरकारी स्कूल में बच्चों को हुकूमत बारीक चावल से तैयार करदा गिजा फराहम कर रही है। सरकारी मदारिस को मुस्तहकम करने के लिए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम शुरू किया गया है। कॉलेज जाने वालों की फीस की बाजदायगी हुकूमत की जानिब से की जा रही है। बैरून मुल्क आला तालीम के लिए हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम की जा रही है। पल्ले प्रगति प्रोग्राम के जरिए हर लिहाज से तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता देहात तेलंगाना में है। रायतु बंधु स्कीम के तहत 50,000 करोड़ की रकम किसानों को दी जा रही है, जिसकी मिसाल मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। हर किसान को 5 लाख रुपए की बीमा की सहूलत फराहम की जा रही है। किसानों को जरई मकसद के लिए 24 घंटे बिजली तेलंगाना हुकूमत फराहम कर रही है। तेलंगाना हुकूमत सिर्फ जबानी जमा खर्च वाली हुकूमत नहीं है, बल्कि एक बामल हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना ने आज तक जो भी वादे किए हैं उसको पूरा किया है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इनकलाब का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टीआरएस के सीनियर लीडर ख्वाजा बदरुद्दीन की क्यादत में आए हुए उद्यमरी के सरपंच व कायदीन और पंडितों और पुजारियों से मुलाकात के बाद किया। हाल ही में शामीरपेट के करीब वाकई याकूतपुरा मौजे में कुतुबशाही मस्जिद की शहादत हुई, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुतालिका हुक्काम से बात की और मस्जिद की तामीर के अहकाम जारी किए, जिस पर वक्फ बोर्ड की जानिब से 5 लाख रुपए जारी किए गए और मस्जिद के तामीराती काम की शुरुआत हुई। इस जमन में उद्यमरी के सरपंच रविंद्र रेड्डी, नायब सरपंच कृष्णा रेड्डी, यादगिरी और दीगर कायदीन ने जुमेरात को वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी रिहायशगाह मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजर हिल्स पहुंचकर मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वो मस्जिद की बेहतर तामीर के लिए वक्फ बोर्ड से मजीद रकम जारी करने के अहकाम जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत भर की वक्फ जायदादों के तहफ्फुज और गैर मजाज कब्जों पर कार्रवाई के लिए संजीदा है, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत किसी भी तरह के नाजायज कब्जों को बर्दाश्त नहीं करती। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इसी भाईचारगी और गंगा जमनी तहजीब की वजह से तेलंगाना मुल्क भर में मशहूर है। उन्होंने कहा कि रियासत में तमाम ईदें और त्योहारें पुरसुकून तरीके से मनाए जाते हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद त्योहारों को सरकारी तौर पर भी मनाया जाता है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी के सीनियर कायद और पल इंचार्ज ख्वाजा बदरुद्दीन की सताइश करते हुए कहा कि वह हर वक्त पार्टी और कौम के कामों में मसरूफ रहते हैं। इस मौके पर सरपंच रविंद्र रेड्डी ने कहा कि मौजे याकूतपुरा में फिल वक्त कोई आबादी नहीं है, मगर मुरचिंतला पल्ली और उद्यमरी के तमाम लोग बिला मजहब मिल्लत मस्जिद की तामीर के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह एक तारीखी मस्जिद है और किसी भी मजहब में दूसरों की इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाने की तालीमात नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव वजीर आला और वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली गंगा जमनी तहजीब की एक उमदा मिसाल है। पंडितों ने वजीर दाखिला से दरखास्त की कि रियासत में मौजूद पुरानी तहजीब रिवायत को बरकरार रखें और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। शामीरपेट के याकूतपुरा के सरपंच साहब रविंद्र डी साहब, उप सरपंच साहब और उनकी टीम यहाँ पर तशरीफ लाई है। मैं सरपंच साहब का खास तौर से दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। गंगा जमुना तहजीब है भले तो हमारे रविंद्र रेड्डी साहब सरपंच साहब के पास और उप सरपंच साहब के पास मस्जिद जैसा शहीद हुई, इमीडिएट उन्होंने आगे बढ़कर उसे बनाने का काम शुरू किया और वक्फ बोर्ड की जानिब से भी 5 लाख रुपये सेंक्शन किए गए। कल मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से बात किया, सलीम साहब से, 5 लाख के बजाय 10 लाख सेंक्शन किए जाएंगे तो मस्जिद अच्छी बनेगी। उन्होंने वायदा किया कि 10 लाख रुपये सेंक्शन किए जाएंगे, मस्जिद का काम भी शुरू हो चुका है। ये तेलंगाना स्टेट की गंगा जमुना तहजीब है। हमारे आनेबोल सीएम साहब ने
जब से तेलंगाना मूवमेंट आया शुरू किए और उसके बाद तेलंगाना हासिल होने के बाद जब से वो पावर में है, हमारी स्टेट के अंदर जो भाईचारे की हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वो कहीं हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं। हमारे सीएम साहब का भी हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते क्योंकि उन्होंने वो माहौल आया। तेलंगाना बनने से पहले कई क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, बात तेलंगाना बनने के बाद रमजान हो या दिवाली हो या दशहरा हो हम प्यार से मोहब्बत से मनाते, ये तेलंगाना की तहजीब है। इसके लिए मैं खास तौर से सरपंच साहब ने आगे बढ़कर जो इस मस्जिद की तामीर में हाथ बटाया, वहाँ माहौल को अमन कायम किया और सभी लोगों ने जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो उन्होंने लोगों से कहा कि बाहर के लोग मत आइए, हम सब एक साथ हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहते हैं जरूर यहाँ, क्योंकि पहले मुसलमान रहते थे वहाँ पर नहीं है मुसलमान, इस वजह से मस्जिद भाई आबाद नहीं है पर फिर भी उसे आबाद करेंगे। यकीनन सभी लोग हिंदू भाई मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम भाई मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, ये हमारा कल्चर है, उसे कायम रखने के लिए उन्होंने जो आगे बढ़ाया तामीर शुरू किया उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सरपंच साहब का, उप सरपंच साहब का और वहाँ के तमाम लोगों का और खासतौर से हमारे बदर भाई का। ये बदर भाई हमारे बहुत अच्छे लीडर है, वो हमेशा कभी भी कोई मसला आता है तो बोलते फौरन जाके प्यार से मोहब्बत से खास तौर से अपने हिंदू भाइयों से मिलके वो मसला हल कराते हैं। इसके लिए मैं बदर भाई को भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हमारा कल्चर हमारी तहजीब है, हम इसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की इबादत गाहों का एहतराम करेंगे और प्यार और मोहब्बत कायम रखेंगे, ये हमारी तेलंगाना की तहजीब तेलंगाना का कल्चर। उसके लिए मैं सरपंच साहब आज यहाँ तशरीफ लाए उनका भी शुक्रिया अदा। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे गांव में हमारे गांव के बाजू याकतपुरा में शामिरपेट मूर्चिंतलपल्ली मंडल नियर शामिरपेट उस याकतपुरा में सर्वे नंबर 111 में वो मस्जिद का मस्जिद तोड़ा वो बोल के इश्यू हुआ था, वो इश्यू में अभी सेटल हो गया, कोई इश्यू नहीं है वहाँ, पूरे हम लोग तैर के पूरे सपोर्ट करे मस्जिद फिर बनाने के लिए। वक्तपुर चेयरमैन साहब भी आए थे आज, हम लोग होम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए आए थे, उनको शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे, हमारा मल्ला रेड्डी साहब भी पूरा सपोर्ट करे कुछ भी नहीं होना कुछ। वजीर सेहत हरीश राव ने वरंगल का दौरा करते हुए एमजीएम अस्पताल में कायम किए गए चाइल्ड स्पेशल कोविड केयर यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासती वज़रा की ख्वाहिश के मुताबिक समक्का सारक्का जात्रा में खसूसी तिब्बी टीमें तश्कील देते हुए महकमा सेहत की जानिब से मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि MRI स्कैन और दूसरे CT स्कैन के क्याम के लिए 7.5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जाएगी जो जल्द दस्तियाब होगा। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि हनमकुंडा वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक को मुकम्मल करने और 15 से 17 साल की उम्र के लोगों के लिए पहली खुराक मुकम्मल करने में सबसे आगे है। उन्होंने जिले हनमकुंडा के बुजरा और जिले इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वरंगल जिले को भी वैक्सीनेशन के अमल को तेजी से मुकम्मल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समक्का सारक्का यात्रा के बाद मुलुक सिरसिला में हेल्थ प्रोफाइल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और तेलंगाना हेल्थ प्रोफाइल मुल्क के लिए एक मिसाली होगा। उन्होंने कहा कि हनमकुंडा में टी डायग्नोस्टिक हब के लिए संग बुनियाद रखने के अलावा मदर मिल्क बैंक, टीबी स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लड स्टोरेज यूनिट, एमजीएम अस्पताल में 42 बिस्तरों पर मुश्तमिल पेडियाट्रिक केयर यूनिट का आगाज 22 मसरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हमने नौजायदा बच्चों के लिए नौजायद निगहदाश्त के मराकज, बालगों के लिए बालग ICU और माओं के लिए जजगी के ICU शुरू किए हैं और पहली मरतबा हमने पेडियाट्रिक ICU यूनिट शुरू कर रहे हैं। हरीश राव ने बताया कि नीलोफर अस्पताल को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में तब्दील कर दिया गया है और खसूसी तौर पर 33 अजला में 86 करोड़ की लागत से पेडियाट्रिक ICU मराकज आप करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर वजीर पंचायत राज और देही तरक्की इदयाकर राव ने भी खिताब किया। वजीर बहबूदी खवातीन अतफाल सत्यवती राठौड़, रुकने पार्लियमान पी दयाकर, गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर, मेयर जी सुधारानी, जिला परिषद चेयरपर्सन जी ज्योति, अरकान असेंबली एन नरेंद्र, शंकर नायक, ए रमेश, MLC बसवराज सारैया, जिला कलेक्टर गोपी, DMHO वेंकट रमना, MGM सुप्रिंटेंडेंट श्रीवास के अलावा दीगर इस मौके पर मौजूद थे। కొన్ని కార్యక్రమాలు ప్రారంభం చేసుకున్నాం హన్మకొండ కొత్త జిల్లా అయిన
वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने अरकान असेंबली एम गोपीनाथ एम मारोवरम कृष्णा राव के साथ तेरागढ़ डिवीजन में 12,86,00,000 रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले नाले के कामों के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असेंबली गोपीनाथ ने कहा कि तेरागढ़ डिवीजन में कई सालों से एजी कॉलोनी से सनत नगर तक ये काम जेरे इल्तवा थे। उन्होंने इन कामों के लिए 12,86,00,000 रुपए की मंजूरी के लिए वजीर बल्दी नज्म नस्क के टीआर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जीएचएमसी के डिप्टी मेयर एम श्रीलता रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर शाहीन बेगम, डिवीजन सदर जीवा और दीगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर जैतेश वी पाटिल ने जुमेरात को कामारेड्डी मंडल देवनी पल्ली जिला परिषद हाई स्कूल में साइंस और कंप्यूटर लैब का मुआयना किया। तलबा को डिजिटल तालीम फराहम करने की इस मौके पर उन्होंने तजवीज पेश की। उन्होंने साइंस लैब में आलात की जांच की। इस मौके पर जिला कलेक्टर जैतेश वी पाटिल ने तलबा के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए उनमें घुल मिल गए। सर रशीद मकबूल मोहम्मद सलीम ने हज हाउस नामपल्ली में कजात सेक्शन का मुआयना किया और इसका जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो एक से ज्यादा दरखास्त कबूल न करें। उन्होंने यह भी कहा कि कोई दरमियानी आदमी किसी अहदेदार के साथ राबता नहीं करेगा क्योंकि वो लोगों से भारी रकम इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई इस तरह के मामलात में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज खजात सेक्शन का जो है इंस्पेक्शन करें क्योंकि पब्लिक को थोड़े दुश्वारियाँ हो रहे थे, तो ऑफिसर का भी ट्रांसफ़र करें क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर्स वगैरह आके कुछ धंधे पानियाँ कर रहे थे, तो ब्रोकर्स नहीं डायरेक्ट जो भी जिसका आया उससे विदाउट जो है ना कमीशन कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट आना, डायरेक्ट यहाँ पर सबमिशन करके थोड़ा एक बजे तक टाइमिंग है तत्काल की उसकी, थोड़ा लेट भी हुआ तो लेना, बल्कि हम ऑफिसरों को इंस्ट्रक्शन दिए इंशाल्लाह ताला किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ऑनलाइन करना भी है तो करें, नहीं तो डायरेक्ट आके यहाँ पर सबमिशन करिए। यहाँ पर पब्लिक को सताना नहीं है, डायरेक्ट जो है जो कास्ट है जो फॉर्म की फीस है जो सर्टिफिकेट की है वो उतना ही देना है। एक पैसा किसी को भी दिए तो यहाँ पर सीधा जेल को। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज रियासत कर्नाटक में हिजाब के तनाजे पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बरसर इख्तदार बीजेपी हुकूमत मजहब के नाम पर अवाम को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कर्नाटक में हुक्मरान पार्टी को लोकल बॉडी इलेक्शन में बड़ा नुकसान हुआ है, इसके बावजूद बीजेपी इसी एजेंडे पर अमल करते हुए मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हुकूमत को चाहिए कि वह मजहब की सियासत से बाज आ जाए, बसूरत दीगर उन्हें इसका भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कि वो लोग को बीजेपी का सिर्फ नारा एक ही है कि 8 साल हो गया हुकूमत में आके, 8 साल में अभी तक ये लोग ये नहीं बोल रहे कि हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना किया है, कितनों को हमने नौकरी दी है, कितने बेरोजगार लोगों को हमने काम दिया है, मुल्क में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हुआ, ये फिगर नहीं दे रहे वो लोग। हमेशा मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, सिख के नाम पे, यानी नफरत 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 नफरत। महंगाई कितनी ऊंची होगी उसके बारे में जवाब नहीं। तो वो लोग चाहते हैं कि अगर ये लोगों को हम अगर मसाइल ऐसे नहीं देंगे तो ये सब हम पे गिरेंगे। महंगाई क्यों हो गई, नौकरी क्यों नहीं मिली, इतने टिकटा डीजल का पेट्रोल क्यों नहीं उतर रहा, पेट्रोल का रेट क्यों नहीं उतारा, ये सब हम पे गिरते हैं। लिहाजा एक के बाद एक इशू देते जाओ इनको, गाय का मसला हो गया, टीए हो गया, तो इस तरीके से ट्रिपल तलाक हो गया, नया मुद्दा एक देते जाओ। वो मुद्दों के साथ ये लोग अपनी दुकान चलाते रहेंगे, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है यूपी इलेक्शन के अंदर।
रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ हैदराबाद में वाकई तारीखी चारमीनार के करीब अफसर जहां असिस्टेंट गवर्नमेंट लीडर बराए सनत तजारत रियासत तेलंगाना की जेर क्यादत बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए अफसर जहां ने रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए हिजाब पर पाबंदी की शदीद मजम्मत की। वाजिब ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हम चाहो या ना चाहो, ये हम पे फर्ज है जो हमारा हक है। इसके साथ ही साथ हमें कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कोई इक्वल है, उसके हिसाब से भी हमारे एजुकेशन राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वालिटी है। उसके बाद में भी ये न्यू रूल्स आ रहे हैं कि क्यों वाई अगेन एंड अगेन ओनली मुस्लिम्स, वाई अगेन एंड अगेन ओनली वुमेंस होते हैं। अगर तक हमारे कपड़े से इनको प्रॉब्लम होती, तभी बोलते कि रेप केसेस होने में औरतों का हाथ ज़्यादा है, क्योंकि बोलते हैं लोगों का ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है बोलते। जब आज हम बुरखा पहन के हैं, जब हम हिजाब में, आज भी फिर भी लोगों को प्रॉब्लम है क्या औरतों से। आई एम स्टैंडिंग फॉर द वुमन राइट्स, ओके, आई एम स्टैंडिंग फॉर एज पर माई इस्लाम, आई एम स्टैंडिंग एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम स्टैंडिंग फॉर माई उनके मुश्कर मुकल्लागा చాలా శివంగిలాగా ఫైట్ చేసి ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు పోయింది. ఫస్ట్ అమ్మాయికి నేను హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నెంబర్ 2 పాయింట్, హిజాబ్ వేసుకోవద్దు అని ఎవరైతే చెప్తున్నారో అది చెప్పడానికంటే ముందే బొట్టు పెట్టుకోవద్దు, లేకపోతే గుడ్లా నామాలు పెట్టుకోవద్దు, క్రాస్ వేసుకోవద్దు, పగడి పెట్టుకోవడం రావద్దు అని కూడా చెప్పాలి. కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏం చెప్తుంది అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో అన్ని మతాలకు సమాన ప్రాతిపదిక ఇవ్వాలని, అలాంటప్పుడు ఓన్లీ ముస్లిమ్స్ నే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు, హిజాబ్ తీసేయాలి అంటున్నారు, దీన్ని ఏఐడీవైఓ ఫైట్ చేస్తుంది. కంటి हैदराबाद शहर के बारकस से ताल्लुक रखने वाले मंसूर बाउम और इब्राहिम बरशित के हमरा एक वफद ने कर्नाटक के मांडिया पहुंचकर हिजाब के मामले में सदा एहतजाज बुलंद करने वाली बहादुर मुस्लिम लड़की मुस्कान खान से मुलाकात करते हुए उनकी बहादुरी की सताइश की। इस मौके पर वफद ने बहादुर लड़की मुस्कान को गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इसके अलावा वफद ने मुस्कान खान के वालिद से भी मुलाकात करते हुए मुस्कान खान को दी गई तरबियत की भी भरपूर सताइश की। वक्फे से राष्ट्रीय बिलवास्ते तौर पर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने का सिलसिला जारी है। चुनाचे जुमा 11 फरवरी को रिलीज होने वाली तेलुगु फिल्म एफआईआर के पोस्टर्स पर कलमे तैयबा को लिखकर कलमे की बेहुरमती और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की गई। इस जमन में जिला निर्मल मुस्तखिर के उलमा और तमाम सियासी कायदीन और नौजवानों ने इस हरकत के खिलाफ सख्त मजम्मत करते हुए जिला कलेक्टर और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस को एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए फौरी तौर पर इस फिल्म को रोकने और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह दिया। चूंकि तेलंगाना अमन का गहबारा है, यहां फिरका परस्त ताकतों की जानिब से माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर इन्हें नहीं रोका जाए तो आगे मुस्तकबिल में पुरमन फजा को मुकद्दर किया जा सकता है। मजहबी जज्बात को मजरूह और ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है फिल्मों के जरिए से। फिरका परस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब फिल्मों के जरिए से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभी कल 11 फरवरी को एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम एफआईआर है, जिसके अंदर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाया गया है और फिल्म के पोस्टर्स के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, जो कि मुसलमानों का एक मुकद्दस कलिमा है जिसको पढ़कर लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं। पोस्टर के ऊपर उसको लिखकर उस कलिमे की बेहुरमती की गई है। यहाँ पर जितने मुसलमान जमा हुए हैं ये पुरअमन तरीके पर एक कानूनी तौर पर एक्शन लेने के लिए जमा हुए हैं। हम कलेक्टर साहब से और इसी तरीके कलेक्टर साहब को हमने मेमोरेंडम पेश किया और हमारे रियासत के जो सीएम साहब है जनाब केसीआर साहब, हम उसे गुजारिश करते हैं कि जो फिल्म रिलीज होने वाली है कल 11 फरवरी को, ये सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा के अंदर नहीं बल्कि पूरे साउथ के अंदर मुमकिन है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर यह फिल्म रिलीज की जाए, इस फिल्म के ऊपर बैन लगाया जाए, इस फिल्म के बनाने वाले जो मेकर है, जो डायरेक्टर है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हल्का असम्बली कोकटपल्ली के बल्दी डिवीजन अल्लापुर के जी एन बस्ती में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के छिल्ले मुबारक के 34वां सालाना संदल के मौके पर सेरोजा तकारीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें चिरागों और मीना बाजार का अहतमाम भी किया गया। इस मौके पर मुतालिका रुकन असम्बली एम कृष्ण राव की गुलपोशी की गई और उन्हें तहनीत पेश करते हुए उन्हें मिस्री में तोला गया। इस मौके पर कॉरपोरेटर सबिहा बेगम और मिर्चल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल सदर मोहम्मद गौसुद्दीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद रहीम और मोहम्मद जमीर के अलावा मोहम्मद मोइनुद्दीन पटेल, शेख शरीफ कुरैशी और दीगर मौजूद थे।
आर सतीश कुमार असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशामाइल डिवीजन वेस्ट जोन की निगरानी में, अजय कुमार इंस्पेक्टर पुलिस बी गोपाल राव एसआई, जी राजेश्वर रेड्डी एसआई, के नरसिम्हा राव एसआई, श्री डी रविराज एसआई, पी सत्यनारायणा एएसआई, आरजी वेंकटराम एएसआई, शहनाथगंज के तमाम पुलिस कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स और वुमेन्स पुलिस कांस्टेबल्स के साथ एएसआई लईखुर रहमान ने पुलिस स्टेशन शहनाथगंज के हदूद में मार्च करते हुए नशे से पाक हैदराबाद के ताल्लुक से बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस बेदारी प्रोग्राम के जरिए नौजवानों में मंशियात की लानत के ताल्लुक से बेदारी पैदा करना था और उन्हें एक सेहतमंद माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करने की तलकीन करना था। टीआरएस लीगल सेल की तरफ से गन पार्क में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में तेलंगाना के खिलाफ तबसरे पर शदीद रद्दमल का इजहार किया गया। इस मौके पर वकला जी मोहन राव, एडवोकेट ओमेंबर बार काउंसिल, सीनियर एडवोकेट वहीद अहमद और दीगर मौजूद थे। मौलाए कायनात मौलूद काबा हजरत सैयदना अली शेर खुदा की यौम विलादत के पुरमसरत मौके पर 14 फरवरी बरोज पीर बाद नमाज मगरिब दबाखाना गौसिया मुतसिल मस्जिद शाम बेग कोमटवाड़ी दबीरपुरा में हाफिज हकीम मीर सादिक अली जोड़ों की निगरानी में जोड़ों के दर्द की दवा मुफ्त तकसीम की जाएगी। सुबह 11 बजे तक 3 बजे दिन मतब से यह दवा हासिल की जा सकती है। अवाम से इस्तेफादे की अपील की गई है। हल्का असेंबली जहीदाबाद के होती गांव सर्वे नंबर 97 में सरकारी अराजियात पर गैर मजाज तरीके से लाल पत्थर को जमीन से निकालकर जमीनों में बड़े बड़े खड्ड करते हुए स्मगलिंग खुलेआम की जा रही है। इस गैर मजाज स्मगलिंग की इतला 15 दिन कबल महकमा रेवेन्यू जहीदाबाद मंडल रेवेन्यू ऑफिसर नागेश्वर राव और गिरदार रुकमुद्दीन पटवारी इस्माइल को देने के बावजूद भी इन ऑफिसर्स की जानिब से आज तक इस ताल्लुक से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन सरकारी अदालत पर गैर मजाज लाल पत्थर की स्मगलिंग खुलेआम देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महकमा रेवेन्यू में बदनवानी के जरिए मुसलसिल इस तरीके की कोशिशों को नजरअंदाज किया जा रहा है और इस तरह की स्मगलिंग के वाकयात को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। हल्का असेंबली जहीदाबाद के तमाम देहातियों में इस ताल्लुक से तशवीश की लहर पाई जाती है। हैदराबाद शहर के शाबीरपेट में वाकई कुतुबशाही मस्जिद को बाज लैंड ग्रैबर्स की जानिब से शहीद कर दिए जाने पर आज याकूतपुरा से ताल्लुक रखने वाले मुकामी अवाम और मुस्लिम पर मुश्तमिल एक वफद ने वक्फ बोर्ड पहुंचकर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करके इस मसले पर तफसीली तबादला ख्याल किया, जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इस सिलसिले में जरूरी इकदाम का तय खुन दिया। पुलिस मैलारजोपल्ली ने बैंक अकाउंट से रकम निकालने के मामले में मुलविस 3 के मिनजुमला 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मैलारजोपल्ली पुलिस ने काटेधन के टीएनजीओ कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले पी बालराज के अकाउंट से रकम निकालने के मामले में मुलविस 3 के मिनजुमला 2 मुलजमीन अजय साहू उर्फ अज्जू और विपिन कुमार साहू उर्फ दादू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और मुलजिम संस्कार पवार उर्फ भैया मफरूर बताया गया है। వాళ్ళలో A2 అజయ్ సాహు, A3 విపిన్ కుమార్ సాహు అనేటువంటి వాళ్ళని ఇద్దరిని మేము ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ గురువైనటువంటి శంకర్ పవార్ అలియాస్ బాల్య బయ్యూ అనేటువంటి వ్యక్తి మధ్యప్రదేశ్కు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. ఇతనే వీళ్లకు ఈ మోసపూరిత దొంగతనాన్ని నేర్పించి ఎలా చేయాలో తెలియజేసి దొంగ ఏటీఎం కార్డులు కూడా తయారు చేసి వాళ్ళ చేతికి ఇచ్చి హైదరాబాదు పంపించి ఈ నేరాలకు పాల్పడేటువంటి విధంగా వాళ్ళను చేయడం జరిగింది. అందులో ఈరోజు ఇద్దరిని అజయ్ సాహు విపిన్ కుమార్ సాహు అనేటువంటి వాళ్ళని ఇద్దరిని మైలారదేవపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాలో గతంలో ఒక 4 మోసపూరితమైనటువంటి ఈ రకమైనటువంటి కేసులు చేసి ఉన్నారు వీళ్ళు.
नए साल के मौके पर पेश आए हादसे में अपने भाई की हलाकत के लिए उसके दोस्तों को जिम्मेदार करार देते हुए शहर हैदराबाद के टुली चौकी इलाके में कल शब एक हिस्ट्री शेटर ने चाकू के साथ खुलेआम घूमते हुए लोगों पर हमलों की कोशिश के साथ हलचल मचा दी। उसने अपने भाई की मौत पर उसके दोस्तों से मुकासिमत के तौर पर कल रात इलाके बंजारा हिल्स में अपने भाई के दोस्तों को देखते हुए उनका ताकुब किया और तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाते हुए गाड़ी सवारों को भी टक्कर दे दी। तमाम गाड़ी सवारों के ताकुब पर वो टोली चौकी इलाके की सम्त फरार हो गया। इसी दौरान टोली चौकी में गाड़ियों की तलाशी की ड्यूटी अंजाम देने वाले कांस्टेबल पर भी उसने हमला कर दिया। पुलिस ने हिस्ट्री शेटर को पकड़ने की कोशिश की, मुकामी अफराद और पुलिस ने उसका पीछा किया, तमाम वो एक खानगी अस्पताल में चला गया। उसने आईसीयू में एक मरीज के गले पर चाकू रख दिया और बादजा वहां से फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। खाजा फरीदुद्दीन पर गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में कई मामलात पहले ही से दर्ज हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।